के विरोध में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। इस वक्त मैं खटका टोल प्लाजा के ऊपर हूँ और यहाँ पर पंजाबी गायक हैं पम्मी जी, वो पहुँचे हैं किसानों का समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पम्मी जी, क्या लगता है, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, काफी दिन हो चुके हैं, ठंड का प्रकोप भी जारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ और मैं 15 सितंबर से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक लगातार इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। कितनी बार मैं टिकरी बॉर्डर पर, कितनी बार सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाता रहता हूँ, गाने भी गाए हैं और लोगों को संबोधन भी किया है, क्योंकि हम अपने हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी होंद की लड़ाई है। क्योंकि हम बड़ी बार मोदी सरकार के हमारे लीडरों ने बोल दिया कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, आप हमें क्यों जबरदस्ती ये पोच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीयत है वो साफ नहीं, वो चाहते हैं कि इन कानूनों के जरिए हम देश के कारपोरेट घरानों को कैसे इन सरमाएदारों के हाथों में हमारी ज़मीनें दे दें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जितने भी वो तीनों कानून हैं, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। भविष्य में आने वाले सालों में तो वो हमें मालूम हो जाएगा, तो लेकिन हमारे किसान नेता बहुत दूरदृष्टि सोचते हैं, उन्होंने इसीलिए जे इतना बड़ा आंदोलन जो जन आंदोलन बन गया उसको चलाया। जिस प्रकार से 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसको कहीं ना कहीं सरकार ने बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही थी, दीप सिद्धू का नाम बार बार उभर के सामने आ रहा था। सुनने में ऐसा रहा, जो दीप सिद्धू था जिसने ध्वजा लड़ाया था अपने जो राष्ट्र ध्वजा है, कह रहे ये बीजेपी का बंदा है और इसको गिरफ्तार की मांग हो रही है, फिर भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। देखिए, वो सारा षड्यंत्र सरकार ने बनाया था वो मालूम हो गया, क्योंकि ये बदकिस्मती है देश की कि जब देश का मीडिया सरकार की बोली बोलता है, वो इसीलिए लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके मीडिया के जरिए उनको मालूम हो रहा है। क्योंकि जितनी हमारे आंदोलन की अच्छी खबरें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जाती है, जहाँ NDTV देता है, जहाँ BBC देता है, जहाँ CNN देता है, तो वो षड्यंत्र उनका फेल हो गया, वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि उस षड्यंत्र के बाद जैसे राकेश टिकैत साहब ने लोगों को अपील की, आज ये जनसैलाब देखो कितना बड़ा जनसैलाब, जहाँ लोगों का खाप पंचायतों का जुड़ा हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। सो जे एक थप्पड़ है बीजेपी किसान जा रहे थे तो कटीली तारे लगा दी थी, यहाँ तक कि सरकार ने खुद कह रखा है कटीली तारे से पशुओं को खतरा है, इस पे आपके ऊपर FIR होगी, पर सरकार ने क्यों लगाया, क्या जो किसान है ये पशुओं से भी क्या गुजरे हैं? यही तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपकी सरकार तो कहती है आप खेत में जो फेंसिंग नहीं कर सकते, आप हमारे लिए वो फेंसिंग कर रहे हैं। ये सरकार लोगों ने बनाई है, लोगों की सरकार है, लेकिन ये अपने लोगों के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हम पाकिस्तानी हैं, जैसे हम बाहरले मुल्क के लोग हैं, हम जहाँ के किसान मजदूर हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो भी शांतमयी ढंग से कर रहे हैं। किसानों को बार बार सरकार के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा खालिस्तानी बताने का काम किया जा रहा है, खालिस्तानी है, इनके पास फंड आ रहा है वो खालिस्तान का है। ये सर्टिफिकेट हमें इनसे लेना पड़ेगा कि हम कौन से हैं, हम पहले भारतीय हैं, हम अपने झंडे का कभी भी निरादर नहीं करते, अपमान नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ इन BJP वालों से कि इन लीडरों का कोई बेटा कभी शहीद हुआ है, या हरियाणा का या पंजाब के बच्चे ही शहीद होते हैं, हमारे किसान और मजदूर के बेटे ही शहीद होते हैं। हम अपने देश के लिए मर्द मिटते हैं, हम देश की आज़ादी के लिए पंजाबियों का हरियाणवियों का, तब तो पंजाब हरियाणा एक था, हमारा 92% योगदान है। इनका एक ही भी गुजराती दिखाओ वो फांसी पर लटका है, इनका एक ही भी गुजराती दिखाओ जो काले पानियों में कभी किसी ने सजा काटी है। तो ये जो है ये सारा एक षड्यंत्र बनाया हुआ है उन्होंने, पर ये जनसलाब जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, या मैं टिकरी बॉर्डर पर देखा है, या जनसलाब मैंने सिंधु बॉर्डर पर देखा है, गाजीपुर बॉर्डर पर देखा है, उन जनसलाब को ये रोक नहीं सकेंगे। एक छोटा सा किसानों के लिए एक गाना गा के आप सुनाए। हाँ, मैंने 3 गाने गाए हैं किसानों के ऊपर जे मूवमेंट के लिए, तो 1-2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। ए पुत ने मिट्टी दे ए तरत इना दा गहना, ए पुत ने मिट्टी दे ए तरत इना दा गहना, जो हक इना दा है, जो हक इना दा है ओ लड़ पिड़ के खो लेना,
गल सुन ले मोदी आवे तेरा राज सदा नहीं रहना, गल सुन सरकार नी तेरा राज सदा नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद पम्मी जी ने जो गाना गाया, इस गाने से एक सरकार को संदेश है, मोदी जी को संदेश है, जो आपका राज है ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 2024 तक रह लोगे, उसके बाद तो वोट तो मांगने आपको इन्हीं के द्वार पे आना है। इसलिए एक बहुत ही अच्छे गायक है और बहुत ही अच्छा किसानों को समर्थन कर रहे हैं। लगातार आप जुड़े रहिए नवराष्ट्र भारत के साथ। मैं सनीनाथ कैमरा पर्सन राहुल के साथ, नवराष्ट्र भारत। धन्यवाद।